नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन होली से पहले ही कुछ राजनीतिक पार्टियां अबीर और गुलाल के साथ जीत की होली खेल रही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक के नतीजों में बीजेपी एक बार फिर यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाती दिख रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बाजी मार गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने अपनी अपनी विधानसभा सीटों से जीत हासिल की है। आश्चर्य की बात अगर करी जाए तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने सिराथू विधानसभा सीट से हाथ धो बैठे हैं। वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने कुंडा विधानसभा सीट से फिर जीत हासिल की है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ 403 सीटों में से अब तक 270 सीटें बीजेपी के खाते में जा पहुंची हैं। उत्तराखंड में भाजपा का परचम कायम रहने की किसी को खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, पासा पलटते देर नहीं लगती। कहते हैं ना, परिणाम के दिन ही असलियत सामने आती है। इसी के साथ भाजपा ने उत्तराखंड में जीत अपने पाले में कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा सीट खटीमा से हार के पासे में जा पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की सीएम की कुर्सी कौन सा चेहरा संभालेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास कायम कर दिया है और लोगों के मन में जगह बना ली है। आम आदमी पार्टी ने इतने बड़े बड़े चेहरे इतनी आसानी से फेल कर दिए, जिनकी हार के बारे में सोचा नहीं जा सकता था। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सुनामी कुछ इस कदर बहा कि पंजाब के बड़े और दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जिसमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का दोनों सीटों से और 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का चुनाव हार जाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम रहा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में आम आदमी पार्टी का सुनामी कुछ इस कदर बहा कि पंजाब के बड़े और दिग्गज नेता चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने उड़ता पंजाब को उठता पंजाब कहकर पार्टी का मनोबल बढ़ा दिया है। गोवा में सांकेलिम सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम प्रमोद सावंत चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा की लहर बरकरार रखी है। हालांकि जीत का मार्जिन कम है, लेकिन भगवा का परचम कायम है। मणिपुर की हिंगांग विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सीएम एन बीरेन सिंह एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने में कायम रहे हैं। कोई रंग खेलकर तो कोई पटाखे चलाकर जीत का जश्न मना रहा है, तो कोई इस सोच में बैठा है कि आखिर चूक हुई कहां। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।